हमारा आज का सवाल है, सर मुझे पिछले 6 साल से सर में फंगल इन्फेक्शन है, काफ़ी इलाज कर लिया लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि मेरा फंगल इन्फेक्शन ठीक क्यों नहीं हो रहा है। मेरे बाल भी बहुत सारे गिर गए हैं, अब बहुत कम बाल बचे हुए हैं स्कैल्प पर, प्लीज़ मेरा सही मार्गदर्शन करें। देखें, आपको सर के ऊपर फंगल इन्फेक्शन है और वो ठीक नहीं हो रहा काफ़ी ट्रीटमेंट करने के बाद, तो उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। मैं कुछ कारण आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर आप ख़ुद पॉइंट आउट करिएगा कि आपके पीछे क्या कारण है। जिस किसी इंसान को भी फंगल इन्फेक्शन होता है, चाहे वो सर के ऊपर हो चाहे वो बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर भी हो, तो ये जान लें कि उनका इम्यून सिस्टम वीक है। और जिन इंसान का फंगल इन्फेक्शन हो गया और ट्रीटमेंट कर लिया और फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो वे जान लें कि उनका इम्यून सिस्टम उससे भी ज़्यादा वीक है। वो अदरवाइज़ तो दवा लेने के बाद ज़्यादा लोगों का फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यून सिस्टम क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, एक ताकत होती है। अगर ये कम है तो आपकी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही है किसी भी बाहरी बीमारी से, ठीक है। तो आपको इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है। जब भी हम किसी को ट्रीटमेंट बताते हैं फंगल इन्फेक्शन का या किसी बीमारी का, तो साथ में हम उसको एक अच्छा सा इम्यून बूस्टर भी बताते हैं कि आप ये ले लीजिएगा, इससे आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा और आप अपनी बीमारी को जल्दी ठीक कर पाएंगे। शुरुआत में हम हिमालय सेप्टिलिन बताया करते थे, अगर आपको याद हो, आप हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो हम सबको हिमालय सेप्टिलिन सिरप बताया करते थे कि आप इसे लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, हम इम्यून सिस्टम के लिए जो मेडिसिन हैं, जो हर्ब्स हैं, वो धीरे धीरे हम बदलते चले गए, ठीक है। दूसरा इसमें कारण है, आपने क्या कहा था, हाँ, दूसरा इसका कारण है स्टेरॉयड दवा का इस्तेमाल। बहुत सारे डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन में स्टेरॉयड दवा देते हैं, खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। ये जितनी भी दवाएं होती हैं जिनमें स्टेरॉयड होता है, ये हमारे फंगल इन्फेक्शन को ज़िद्दी बना देती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में। तो इस बात का ध्यान रखें, आप पॉइंट आउट कर लें कि आपकी दवा में कोई इस तरह की दवा तो नहीं है जिसमें स्टेरॉयड हो, ठीक है, चाहे वो खाने की हो चाहे वो लगाने की हो। मेरे कुछ वीडियोज़ पड़े हुए हैं कौन कौन से स्टेरॉयड की दवा होती हैं, जैसे डेक्सामेथासोन, बेटनिसोल, ठीक है, नहीं, या पाइडनिसोलोन, ओमनाकोटिल के नाम से होती है, मेथाइल पाइडनिसोलोन, इस तरह की टैबलेट खाने में देते हैं कुछ डॉक्टर, या क्लोबेटासोल, बिक्लोमेजोन, इस तरह के ऑइंटमेंट, या मोमेदाजोन, इस तरह के ऑइंटमेंट या लोशन लगाने के लिए एक डॉक्टर आपको दे रहे हैं, तो उसके अंदर स्टेरॉयड है, उसकी वजह से आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि जब आप लगाएंगे तो आपको राहत महसूस होगी, जब आप छोड़ देंगे तो ये बीमारी आपकी दोबारा से फिर होने लगेगी, ठीक है। तीसरा जो इसका कारण है आपका, वो हो सकता है कि आपको इनडाइजेशन की शिकायत हो। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। इसलिए हम जब भी किसी को ट्रीटमेंट बताते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए, तो हम उससे कहते हैं कि आप अपना खाना पीना थोड़ा सा मैनेज करें, आप अपनी डाइट को थोड़ा सा मैनेज करें। उसका कारण यही होता है कि जितना आपका डाइजेशन ठीक होगा उतनी आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी, ठीक है। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपको अपच की समस्या है, आपका हाजमा दुरुस्त नहीं है, तो आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक होने में बहुत टाइम ले जाएगा। और जितनी भी एलोपैथिक दवाएं आप खाते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए, चाहे वो इट्राकिनाजोल हो, चाहे वो टर्बिनाफाइन हो, ठीक है, नहीं, चाहे वो केटेकिनाजोल हो, ये सारी दवाएं आपके लीवर को नुकसान पहुँचाती है, आपके मैदे को, आपके स्टमक को नुकसान पहुँचाती है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तीसरा जो इसमें कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। जैसे कि आपने अपने सवाल में भी कहा कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जितना आप अपनी बीमारी को लेकर स्ट्रेस में रहेंगे उतना ही इस बीमारी को ठीक करना मुश्किल हो जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। तो एक बात तो अपने दिमाग में ये डाल लें कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो हमेशा रहने वाली है। एक दिन हर बीमारी का आता है कि वो ठीक हो जाती है, कई बार अच्छी दवा नहीं मिलती, कई बार अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान को अच्छी दवा भी मिल जाती है, अच्छे डॉक्टर भी मिल जाते हैं, अच्छा मशवरा भी मिल जाता है, अच्छी सलाह भी मिल जाती है और इंसान ठीक हो जाता है। तो इस बात को हमेशा दिमाग से निकाल दें कि आप कभी ठीक नहीं होंगे, आप ठीक हो जाएंगे। आपके बाल गिर गए हैं, ये वाकई में स्ट्रेस का एक कारण हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक होगा आपके बाल वापस आ जाएंगे। मैं इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ठीक है। और अगर 1% नहीं भी आते हैं मान के चलें बाल, तो मिनोक्सिडिल सीरम, हेयर सीरम मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके बाल गिर गए फंगल इन्फेक्शन की वजह से, वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा परेशान होने की कोई चार नंबर पे जो कारण हो सकता है वो है रॉन्ग डायग्नोसिस, यानी कि आपने जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है
उन्हें डायग्नोस करने में कोई गलती लग गई हो सकता है कि आपको सर पे फंगल इन्फेक्शन ना हो, हो सकता है आपको स्कैल्प सोराइसिस हो सकता है आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस हो सकता है कि आपको सर के ऊपर एक्जिमा हो या एटोपिक डर्माटाइटिस हो, ठीक है नहीं, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है और आपको ऐसा लग रहा है कि सर पे फंगल इन्फेक्शन है या आपके डॉक्टर को फंगल इन्फेक्शन लग रहा है और वो फंगल इन्फेक्शन के लिए दवा दे रहे हैं जबकि आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि आप ठीक ना हो रहे हो। तो इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप एक सेकेंड ओपिनियन ले लें, आप अपना डॉक्टर चेंज करके देख लें, एक डॉक्टर दो डॉक्टर चेंज करके देख लें और वो अगर कुछ और बीमारी बताते हैं तो फिर उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट करें। तो ये चार पाँच कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। इनको आप चेक कर लीजिएगा कि आपके साथ कारण कौन सा है और सही करके इसको डायग्नोस करके और फिर सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर लीजिए। ट्रीटमेंट हमने वीडियोस के अंदर बता रखे हैं, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, 100% आपको इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो जिनको सर के ऊपर फंगल इन्फेक्शन था और वो ठीक हो गए हैं, ठीक है।